एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव एज एंड आई एम सोनाली भाटिया। आईआईटी में डिजाइन पढ़ने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे एक स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है जो एडमिशन लेता है अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डिजाइन के लिए। दिस एग्जाम इज कॉल्ड एज अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन। अगर आप इस एग्जाम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एवरीथिंग अबाउट यूसी 2025, यूसी 2025 एलिजिबिलिटी जैसे वीडियोस देख सकते हैं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं यूसी 2025 के पेपर पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम के बारे में। एग्जाम ईयरली एक बार होता है, वो भी जनवरी महीने में। इस एग्जाम का सिंगल पेपर होता है फॉर 3 आवर्स। द क्वेश्चन पेपर इज ओनली आस्क्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। द टोटल मार्क्स फॉर दिस पेपर इज 300। द पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। लेट्स डिस्कस पार्ट ए एंड पार्ट बी इन डिटेल। पार्ट ए, इट इज द एप्टीट्यूड पार्ट ऑफ टोटल 200 मार्क्स। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे दिए जाते हैं। इस पार्ट में 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आइए जानते हैं इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, इन दिस सेक्शन टोटल 14 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स ईच। दीज क्वेश्चंस हैव आंसर एज अ डेफिनेट नंबर, दैट मीन्स देर इज नो ऑप्शन गिवन फॉर दीज क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया और total number of corners of a cube will have a definite answer. This section doesn't have any negative marking. Second is multiple select question. This section has total 15 questions. These questions may have one or more than one correct answer. Let's understand the marking scheme for these questions. Full marks plus 4 are given if all the correct options are chosen and none of the incorrect option is chosen. Partial marks plus 3 are given if all the 4 options are correct but only 3 options are chosen and none of the incorrect option is chosen. Partial marks plus 2 are given if 3 or more options are correct but only 2 options are chosen, both of which are correct and none of the incorrect option is chosen. Partial mark plus 1 is given if 2 or more options are correct but only 1 option is chosen and it is the correct option and none of the incorrect option is chosen. 0 marks if none of the option is chosen. That means you have not attempted the question. There is -1 negative marks for all other cases. Let's understand this with a very simple question. If I ask you to select the characteristics of lemon from the options yellow, vitamin C, sour and square. In these 4 sections, yellow, vitamin C and sour are the characteristics of lemon. So these 3 are the correct answers, but square is a wrong answer. Multiple choice question. In this section, total 28 questions are asked for 3 marks each. In these questions, there are 4 options out of which only 1 is the correct answer. There is 0.71 negative marking for each wrong answer. Part B. This section is the creative part, where 2 questions are asked for 50 questions each. You will be given 1 hour to complete this section. In this section, candidates' drawing skill and design aptitude are checked. To understand this better, you can go on the channel and watch UC 2025 syllabus video. It is compulsory to attempt part A and part B questions. इस पेपर पैटर्न को और अच्छे से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक स्टडी मटेरियल की फ्री लिंक दी गई है, जिस पर जाकर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और जो पैटर्न बताया गया है उसे और अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप यूसी 2025 का पैटर्न और मार्किंग स्कीम अच्छे से समझ सके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी या कंफ्यूजन आती है तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल बी हैप्पी टू एड्रेस इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकॉन to get the notification for the new videos. अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो पार्ट ए और पार्ट बी मिला के यू सीड में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।